प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को नहीं मिला मकान तो पहुंचे डूडा ऑफिस। दरअसल 10 मार्च से लगातार लाभार्थी डूडा ऑफिस के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। लाभार्थियों का कहना है कि जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो तारीख पर तारीख दे देते हैं, जिससे परेशान होकर लाभार्थियों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। सर राहुल जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला जी? प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि प्रधानमंत्री लाइट हाउस के तहत जो है हम लोगों का आवंटन हुआ था, ठीक है, लेकिन 10 मार्च को उद्घाटन भी हो गया। जया देवी जो मलिहाबाद की हैं, उन्होंने हमको ड्रमी चाबी भी दी है, लेकिन उस जो है अभी तक हमको कब्जा नहीं मिला। और जो है यहाँ आने पे टूडा ऑफिस पे आने पे जो है हर एक नई डेट दे दी जाती है कि इस डेट को मिल जाएगा, इस हफ्ते में मिल जाएगा, महीने में मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमको कब्जा नहीं दिया गया। ये चीज़ें हैं। आपको चाबी मिली थी? हाँ, चाबी मिली थी। देखिए ये प्रूफ, देखिए ये प्रूफ है, ये चाबी इनको मिली है, उसके बावजूद भी इनको जो कमरा है, रूम है, वो नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार इनको चाबी दी गई है, उसके बावजूद भी इन लोगों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है, उसके विरोध में ये सब आज पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? अधिकारी से भी बात हुई, आज भी बात हुई, तो नवरात्र का डेट डाल दिया गया कि नवरात्र के अंदर दे दिया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या धरना इसे चालू? हाँ, धरना चालू रहेगी, हम लोगों की ऐसी प्रक्रिया चालू रहेगी। ये अभी तो कम लोग आए हैं, इससे ज़्यादा आएंगे, हो सकता है कि 1040 लोगों का आवंटन हुआ है वो लोग भी आ जाएंगे। 1040 लोग आएंगे तो यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी, खड़ा होने की जगह नहीं रहेगी। आज आप लोग डूडा में जो है प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है पूरा मामला? एक बैग आप लोगों को प्रदर्शन करने मजबूर? प्रदर्शन तो मैं इसको नहीं कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों को जो तारीखें मिल रही हैं उस तारीखे के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। 30 तारीख से हम लोगों को चाबी देने का वादा किया गया था, तो यही पूछना था कि हम लोग जो रेंट पर रह रहे हैं तो अपने मकान मालिक से कहना है कि 30 तारीख को खाली कर रहे हैं। तो फिर अधिकारी ने बोला कि नहीं, नवरात्रि में आप लोगों को चाबी मिल जाएगी। और इसी तरह से पिछले 1.5 साल से हम लोगों को सिर्फ डेट पर डेट दी जा रही है, हर 15 दिन के बाद एक तारीख दे दी जाती है। एक जब उद्घाटन हुआ था 10 मार्च को, तब से लेके आज 27 सितंबर हो गया है और अभी तक वो सिर्फ हमें डेट ही देते आ रहे हैं। डेट देने के अलावा वो कभी कुछ हमें फाइनली नहीं बताते कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सभी के यहाँ पे तकरीबन 35 आवंटी खड़े हैं और सभी के पैसे जमा हो चुके हैं, पूरे तकरीबन 1.5 साल से सब लोगों ने पैसे अपने अपने जमा कर रखे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हम लोगों को चाबी दे रहे हैं या कब्जा लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी की गुहार लगाने हम लोग आए हैं यहाँ। आप लोग पैसा जमा करने के बावजूद भी आप लोगों को घुमाया जा रहा है? घुमाया जा रहा है, सिर्फ घुमाया जा रहा है, और बस ये डेट पर डेट दी जा रही है। तो उस डेट के लिए जो है क्या कहते हैं, हम इसलिए परेशान हैं कि हम किराए पर रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और जो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं लोन की, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश यही है हमारी कि सर ने अभी तो आश्वासन यही दिया है, सौरभ त्रिपाठी जी ने, कि नवरात्रि में मिल जाएगा आप लोगों को। किसी अधिकारी से बात हुई होगी आप लोग यहाँ? प्यारो साहब बैठे हुए हैं, सौरभ त्रिपाठी जी, उन्हीं से बात हुई है मेरी अभी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों का मानना है प्रदर्शन नहीं, वो मिलने आए थे हम लोगों से, ऐसा कुछ नहीं जो वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम 2-3 दिन में लोगों का काम करवा देंगे। नहीं सर, देखिए तारीख पे तारीख तो हमें कई दिनों से मिल रहा है, हम लोग अगर समय पहले से पाबंदियां समय पे हो जाती तो हम लोगों को ये करना ही नहीं पड़ता। हम लोग बीते लगभग 3 साल मान के चलिए, 3 साल से तो ये प्रक्रिया चल रही है, 1.5 साल हम लोगों का पैसा जमा किए हुए हो गया और अभी तक हम लोगों को टाला जा रहा है। पिछले दिवाली से लेके, दशहरा से लेके, होली से लेके समय समय पर टाला जा रहा है। इस वजह से हम सब लोग परेशान होकर 2-3 बार पहले भी एकत्रित हो चुके हैं, आज एक बार और हम लोग एकत्रित हुए थे। हम लोग अपनी बात सिर्फ स्पष्ट शब्दों में माननीय अधिकारी महोदय से रखना चाहे थे, जिसमें हम लोगों का कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यदि किसी चीज़ में विलंब हो रहा है तो यह एक सरकारी प्रक्रिया है। हम लोगों का कहना है और मानना सिर्फ यही है कि हम लोगों को कब्जा दे दिया जाए, और कब्जा देने में जो विलंब हो रहे हैं इससे हम लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हम लोग समय पर पैसा भी दे चुके हैं और हमारा जो हक है हमें कब्जा चाहिए, क्योंकि कई लोग हम में से ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे हैं और हम लोग किस्त भी जमा कर रहे हैं, किराए पे भी पैसा दे रहे हैं, 2-2 जगह से हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो इस वजह से सभी लोग समस्या में हैं, सभी लोग जूझ रहे हैं और हर बार हम लोगों को समय पे समय दिया जा रहा है, इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।